फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा ह्यूमर कर लेते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में. व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेइंग इन मुंबई? एक साइड इफेक्ट ये है कि शॉपिंग मॉल्स बहुत हैं और शॉपिंग मॉल्स की वजह से मेरी जो बेटी है उसे ब्रांडेड चीज़ें पसंद हैं. और आपको हम मॉल में जाते हैं तो लुई विटों, अरमानी, गुची, गैस ये सब स्टोर्स होते हैं और उन्हीं चीज़ों को खरीदना पसंद करती है. इस बात पर कविता है कि आज की जनरेशन वेस्टर्न ब्रांड्स की दीवानी है, यानी पश्चिमी अरमान है और सूट अरमानी, जूता भी लेबल वाला ही लगता इनको खास है, जिसको देखो नाइकी रिबॉक आदि का दास है. हम बूढ़े होकर भी बालों को रंगने से शर्माएंगे और ये है कि लॉरियल का नया शेड हर महीने आजमाएंगे. GUCCI गुची है या गुक्की, इस गुत्थी को सुलझाने से भी हम डरें और जिसे प्रोनाउंस नहीं कर सकते उसे परचेज कैसे करें? कैल्विन क्लाइन के निकर लीवाइस के जीन्स के बिना अधूरी है, और साथ पहनो तो दोनों के लेबल दिखना जरूरी है. ये मुश्किलें हैं मुंबई की. और एक और मुश्किल मुंबई की बोल देता हूँ, वो है रियल एस्टेट, जो अनरियल एस्टेट है. दो बेडरूम में रहता हूँ, 3 बेडरूम की तलाश है. सोचा था डॉक्टर बना हूँ, 3 पुश्तों की प्लानिंग कर पाऊंगा, यहाँ 3 किश्तों की प्लानिंग करने में पसीने छूट जाते हैं. तो इस कंक्रीट जंगल में हो एक मेरी अपनी जन्नत भी, बच्चन या शाहरुख सा घर हो, ये प्रतीक्षा भी है, मन्नत भी. पर घर खरीदने की कोशिश में नानी क्यों याद आती है? क्योंकि कुटिया खड़ी करते करते खटिया खड़ी हो जाती है. नए बिल्डिंग के बिल्डर ने जब स्क्वायर फुट की कीमत कही तो सर पर छत तो दूर, पांव तले जमीन नहीं रही. सोचा हाउसिंग लोन लेंगे, पर हाउसिंग लोन देने वालों की बातों से तो हम कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जो हर महीने अप हो रहा है उसे वो डाउन पेमेंट कहते हैं. ये 12-15% का इंटरेस्ट रेट मेरी इंस्टॉलमेंट्स को मेरी जिंदगी से लंबा ना कर दे, ये डर लगे. आजकल कोई बच्चा मुझे प्रणाम करता है तो मुझसे कहता हूं तुझे मेरे EMI की उम्र लगे. और पता है आपको कि रियल एस्टेट और प्रोस्टेट में क्या समानता है? फ्लैट खरीदने की अर्जेंसी, ब्रोकर से मिलने की फ्रीक्वेंसी और लोन लेने की हेजिटेंसी, इन तीनों से इतना परेशान रहता हूं कि अपने एस्टेट एजेंट को अक्सर प्रोस्टेट एजेंट कह देता हूं. सोचा था रिटायरमेंट में शहर छोड़कर एक फार्म हाउस खड़ा करना है, पर अब तो एक ही सपना है, मुझे अपनी आखिरी इंस्टॉलमेंट देकर मरना है. ये हाल है.